आज ही रात मरीज यहाँ भर्ती कराया गया था आकाश नाम का, तो कैसे गायब हुआ, कब उसको भर्ती कराया गया था यहाँ पर? सर वो रात को यहाँ पे 11:30 बजे के करीब आए थे, उनको लेके पुलिस कस्टडी में आए थे, उनकी वुंड की ड्रेसिंग वगैरह करके उनको एडमिट कर दिया गया था और भर्ती का पर्चा बना दिया गया था, बेड पे उनको भेज दिया गया था वो, और दो कांस्टेबल्स यहाँ पे तैनात थे उनकी सिक्योरिटी के लिए। और उसके बाद सुबह 5:30 बजे के करीब वो अपने बेड पे नहीं मिले। अच्छा, क्या किसकी लापरवाही आप इसके मानते हैं, क्योंकि वहाँ कांस्टेबल भी आपने बताया थे, मौजूद थे, आपका स्टाफ भी होता है, तो ऐसे कैसे मरीज जा सकता है हॉस्पिटल से? जी इस बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी, बिकॉज़ उनकी कस्टडी में थे तो वही जिम्मेदार थे इसके, हमारे तो और भी पेशेंट्स हैं, तो ऐसे कोई जा तो सकता नहीं है, पर वो कैसे चले गए आई डोंट नो। तो सीसीटीवी वगैरह आपके यहाँ उसमें देखने की कोशिश की? देखने की कोशिश की है उन्होंने, बट अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कुछ पता लगे कि वो किस तरीके से गए हैं। अच्छा मैम, जो मरीज आपने बताया आकाश आया था रात यहाँ पर, तो किस कंडीशन में था, क्या हुआ था उसको? सर वो एनकाउंटर इसका गनशॉट का केस था, तो स्ट्रेचर पे लाया गया था, सीधा माइना ओटी में ले गए हैं उसको, और उसकी ड्रेसिंग कर दी गई है वो उनकी। कितनी गोली लगी थी, कहाँ कहाँ लगी थी उसको? उसकी राइट लेग पे थी और नीचे काफ पे उसको लगी थी, एक ही वुंड था, एंट्री और एग्जिट वुंड, एक ही गोली उसको लगी थी। थैंक यू।